हाँ तो प्यारे बच्चों, इलेवेंथ क्लास मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू है, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन आपकी चल रही है। स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्स के पैरेलल हो वाई इक्वल टू समथिंग और जो वाई के पैरेलल हो एक्स इक्वल टू समथिंग, मैं आपको बता चुका था। दूसरा पॉइंट, ऐसी लाइन की इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं जिसका वाई इंटरसेप्ट पता हो सी और स्लोप पता हो एम, इट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और आखिरी नोट, अब तक के वीडियोस में उस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो एक्स वन वाई वन इज वाई माइनस इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये नोट्स अब तक आपके पास उपलब्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट, टू पॉइंट फॉर्म, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास हो रही हो, वे दो पॉइंट गिवन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जब तक लाइन कंफर्म ना हो जाए तब तक उसी इक्वेशन नहीं निकलती। दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन कंफर्म हो जाती है, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए ऐसी इक्वेशन निकलनी पॉसिबल है। देख, अगर हमें स्लोप पता होता और ये पॉइंट पता होता तो y माइनस वाई वन इज गुड स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब स्लोप नहीं पता, चाहिए यहां पे स्लोप ही, तो दो पॉइंट पता हो तब भी तो स्लोप निकल जाता। पिछले एक्सरसाइज वाला केस y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, स्लोप ही तो है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू या तो स्लोप अगर पता है, नहीं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स2 माइनस एक्स1 इनटू एक्स माइनस एक्स1। ओके, शुड बी लर्न। अगली जो हमारी संडे में या उससे पहले मीटिंग होगी मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूले की पूछताछ होगी बढ़िया तरह से, इसके इसको लर्न करें। और एक फॉर्म आपको और बता दिया कि आज ही ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसके बारे में यह पता हो कि एक्स एक्सिस पे कितना पार्ट घेर के चल रहा है इंटरसेप्ट और वाई पे कितना इंटरसेप्ट, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, दिखाई दे रहा नीचे तक का। इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन। अब आपको इस तरह से लर्न हो, लाइन एक्स के पैरेलल वाई इक्वल टू कुछ, वाई के पैरेलल एक्स इक्वल टू कुछ, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पता हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक पॉइंट और स्लोप पता हो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दो पॉइंट्स पता हो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स और वाई के इंटरसेप्ट पता हो ए एंड बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। इससे भी तेज गति के साथ आपको लर्न हो। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट आपके इन नोट्स में और जोड़ दिए गए और के साथ साथ ही आपकी अगली एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं अब शुरू कर देता हूं, ये उठाई मैंने एक बुक और ये जहां तक मेरा ख्याल है कॉर्नर खुल गई,
और जी और जी और जी आगे जाते 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 फाइंड द स्लोप अग्नि यानी कि इक्वेशन ये आ गई जी और ये वाली एक्सरसाइज है Find the equation of line through the origin which trisect the portion of the line this intercepted between the axes. 30 question. Given line, एक लाइन उसने दे रखी है x upon a plus y upon b is equal to 1. इस लाइन को देख के ही हम समझ गए ये लाइन कैसी रही होगी. ये लाइन ऐसी रही होगी कि एक्स एक्सिस पे ए का और वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट कट करते हुए पास हो रही होगी. ड्रॉ कर दो. ये ए रहा होगा निसंदेह, ये बी रहा होगा. ये है जी गिवन लाइन. ये आपको ऐसी लाइन की क्वेश्चन, दो लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रही हो और इस लाइन का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में पोर्शन आया है इसको तीन हिस्सों में बांट रही हुई दो लाइन. तीन हिस्सों डाल के दो पॉइंट लगा दीजिए. ये बढ़ गई तीन हिस्सों में. तो लाइन दोनों ओरिजिन से जा रही है. ये भी ये होगी रिक्वायर्ड लाइन और एक ये होगी. ये दो लाइन की उसे निकालती है. ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और गिवन लाइन के एक्सिस की वक्स के बीच के हिस्से को तीन हिस्सों में बांट रही है. तो इन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी. तो एक तो यहां से जा रही ओरिजिन से 0,0 और ये पॉइंट और पता चल जाए तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी और ये भी निकल जाएगी और ये क्यों नहीं निकलेगी 1,1,1. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए. ये ए है तो ए कॉमा जीरो और इसके 0,b. इसको p और q मान लीजिए तो o है p एंड q. तो p के कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. p इधर के 2 हो जाएंगे इधर का 1 हो जाएगा. 2a प्लस 1,0 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा ऐसे y करो 2×0 प्लस 1×b अपॉन 2 प्लस 1. ठीक है कोऑर्डिनेट्स तो 2a/3 कॉमा b/3 ऐसे क्यों के भी निकाल दो. 1×a प्लस 2×0 अपॉन 2 प्लस 1 ऐसे वाई कोऑर्डिनेट. 1×0 प्लस 2×b अपॉन 1 प्लस 2 a/3 कॉमा 2b/3 कोऑर्डिनेट से निकल गया आपके. एक सेकंड. ठीक है बच्चों अब ये 2 पॉइंट चाहते हैं लिख लो और 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल दो फटाफट. मैं निकाल दिखाता हूं इतना करना पहले. ठीक है तो इससे कॉन्डेट क्या है. मैं इस लाइन को दोबारा बनाता हूं. यहां पर ये लाइन भी रिक्वायर्ड है. ये तो 0,0 से होकर जा रही है और दूसरा पॉइंट निकला हमारा 2a/3 b/3 सो रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है दूसरी लाइन बनाता हूँ साथ साथ ही. ये दूसरी लाइन ले ताकि जल्दी काम करेगा.
वही मिटाना पड़ेगा ना सर, 0 0। और दूसरा पॉइंट है a by 3 2 b by 3, ये दो इंडिविजुअल लाइन बना दी मैंने अलग से। सो रिक्वायर्ड लाइन, सो रिक्वायर्ड लाइन, पहली लाइन y माइनस y1 और साइड x माइनस x1। अब स्लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, b by 3 माइनस 0 अपॉन 2a by 3 माइनस 0। एक साल चाहो तो एंड दूसरी y माइनस 0 और उधर x माइनस 0 और स्लो 2b अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन a by 3 माइनस 0 दैट इज, ये अपॉन 3 अपॉन 3 कट जाएगा, 0 तो है ही नहीं, ठीक है। और b अपॉन 2a, 2a धर लो, 2a y इज इक्वल टू b x, क्या b बचेगा, 3 3 कटिए एंड इसे भी कट जाएगा, a y इज इक्वल टू 2bx, ये दो लाइन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जब आप एक बार ने करने बैठ जाओगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सीबीएसई आईएससी के कॉम्बिनेशन से, तो जैसी कोई ऐसी परेशानी आती हो आप इमीडिएट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप बता सकते हैं, छुपाना कुछ नहीं है बच्चों, छुपा के तो कहीं बर्बाद हो जाएगी सारी। हो सकता है, मैं जानता हूँ ये सेक्शन फॉर्मूला जो मैंने बताया 2:4 में डिवाइड करता हो पॉइंट, सीबीएसई में था, आईएससी में ना हो तो इमीडिएट कॉल करें मुझे, और है तो फिर ओके है। यानी इस टाइप की कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो आपका काम एकदम से याद दिलाना है, और सपाट चल रहा है बढ़िया तो बस मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बेस्ड और टू पॉइंट फॉर्म बेस्ड एक्सरसाइज पूरी ताकत के साथ टाइम दे के शुरू करें, 10-10, 15-15 मिनट के लिए बैठें बस केवल, और 2-4, 2-4, 5-10 क्वेश्चन कर डालें, उठ जाया करें, घंटों घंटों मत बैठा करो, घंटों घंटों बैठोगे तो वो निमटाना हो जाता है, अब करना है, रमना है, कहीं कहीं बाहर लेके बैठना है। ओके बच्चों, जय हिंद।